पे पूरी गंदगी वगैरह होती रहती है, साफ़ सफाई भी होती नहीं है, और ना डस्टबिन वगैरह वहाँ पे भी नहीं रखा कि यहाँ के लोग वहाँ जाके डस्टबिन में कचरा वगैरह डालें। कोई व्यवस्था ढंग की नहीं है, पूरा यहाँ से सीपेज वगैरह होता है, पूरा पानी वगैरह निकलता रहता है यहाँ पे। बच्चे भाई यहीं से निकलना होता है, नल वगैरह आते हैं, पूरा पानी यहाँ पे भर जाता, रास्ता ही बंद हो जाता है, इधर नालियों का पानी निकलता है। बड़ी साफ़ सफाई तो बिल्कुल है नहीं यहाँ पे। डस्टबिन का देखो डोर टू डोर यहाँ पे चला हुआ है, ठीक है, और जहाँ जहाँ डस्टबिन की आवश्यकता है, एक अभी डस्टबिन मिल ही नहीं रहे। मैंने 10 डस्टबिन का कम से कम 4 महीने पहले लिख कर दिया था, लेकिन आज तक वो डस्टबिन मिले नहीं है। बस ये बोला जाता है कि टेंडर लग रहे हैं, अब आ जाएंगे, जब दे देंगे तब हो जाएंगे। और जबकि यह कोई भी चीज़ है भाई, स्वच्छता अभियान भी तब सफल होगा जब आपके पास संसाधन होंगे। जब तक आपके पास में संसाधन नहीं है, तब तक स्वच्छता अभियान सफल नहीं। और हम 2 घंटे सफाई का संदेश लेकर के घर घर जाएंगे, सफाई के अभियान को चलाएंगे। ये भारत माता पर एक गंदगी का कलंक है, उसे हम मिटा के रहेंगे। ये हमारी भारत भक्ति 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। भाइयों बहनों, देश को बदलना है तो देश की सूरत भी बदलनी। एक कदम स्वच्छता की ओर चले, आप देखिए हमारा देश